बेगूसराय में चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आती जा रही है, वैसे वैसे नेताओं की चुनाव प्रचार की तूफानी भी होती जा रही है। डोर टू डोर कैंपेन चलाने में यकीन करने वाले कन्हैया कुमार आज बेगूसराय के खोदाबंदपुर प्रखंड के विभिन्न गांवों का दौरा किया। इस मौके पर कन्हैया कुमार के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार रही। लोगों को संबोधित करते हुए कन्हैया कुमार ने कहा कि यह लड़ाई लाल झंडे बचाने की नहीं है, बल्कि तिरंगा झंडा बचाने की है। कन्हैया कुमार ने कहा कि जिनसे लड़ाई लड़ रहे हैं उनके पास धन दौलत गोला बारूद ही नहीं, यह वह लोग हैं जो ईवीएम ही नहीं बल्कि सीएम को भी हैक कर लेते हैं। बेगूसराय से पिंकल कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट, डीएनसीटी लाइव, बेगूसराय। सबसे पहले आपको मालूम है कि आज 14 अप्रैल है और आज भागना है और सावरकर और गोलबल करके खेलों को हराना है। दोस्तों, आप तमाम लोग ये जानते हैं, आने वाले 29 तारीख को हमारे लोकसभा क्षेत्र में मतदान होने जा रहा है। मैं आपसे सिर्फ एक आग्रह करने के लिए आया हूँ कि इस बार दल से नहीं दिल से मतदान कीजिए। ये जमहूरियत की मांग है, ये लोकतंत्र की चाहत है। और एक बात मैं और आपसे साझा करना चाहता हूँ, आप जानते हैं कि आज के दौर में सारी की सारी राजनीति अफवाह पर टिकी हुई है, इसलिए मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ कि तरह तरह का अफवाह आपके बीच में फैलाया जाएगा, लेकिन आपको अपने दिल से काम लेना है, अपने दिल की आवाज को सुननी है और आपका दिल जो कहे वही कदम उठाना है, वही जाकर के बटन दबाना है। ये मैं आपसे, और मुझे मालूम है ये अप्रैल का महीना है, लोग गेहूं काट रहे हैं हसुआ से, लोग गेहूं काट रहे हैं हसुआ से, इन तमाम देश के खिलाफ नफरत की राजनीति करने वाले, हिंदुस्तान में अपने ही नागरिकों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले, भेदभाव की राजनीति करने वाले, दंगों की राजनीति करने वाले, इन ताकतों की दमाही करेंगे 29 तारीख को। करेंगे भी नहीं करेंगे। एक बार आखिरी बार मैं अपनी बात खत्म करूंगा। आप सब जानते हैं यह चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव है। आप तमाम बुजुर्गों को याद होगा और जो नौजवान हैं वो अपने बुजुर्ग को बिठा करके उनसे पूछ लीजिएगा, इससे पहले भी बेगूसराय में चुनाव हुआ है, ये कोई पहला चुनाव नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि एक नया फर्क आया है। आप कोई भी चैनल खोल लीजिए, सबसे ज्यादा बेगूसराय बेगूसराय हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है ये आप जानते हैं, मेरी वजह से नहीं हो रहा है। ये कन्हैया की नहीं, हिंदुस्तान की आवाज है, ये कन्हैया की नहीं, बेगूसरैया की ताकत है। वो ताकत ये है कि हम लोग ईमानदारी से अपनी जिंदगी जीने की लत आदत सीखे हैं और हम ईमानदारी से अपना जीवन जीते हैं। लेकिन सामने से यदि आकर के कोई ऐठ जाए तो फिर उसको छोड़ते नहीं है ये। इसीलिए पूरी दुनिया आपको देख रही है कि आप 29 तारीख को क्या करेंगे। आप इतिहास बनाएंगे, आप एक नया इतिहास लिखेंगे, मुझे ये पूरी उम्मीद है और मुझे पूरा भरोसा है कि जब आप मतदान के लिए जाएंगे, जब पूरी दुनिया आपको देख रही होगी, तो आप हिंदुस्तान में जमहूरियत का क्या भविष्य होगा वो भविष्य तय करने वाले हैं, इस बात का हमको भरोसा है। इसीलिए एक गंभीर बात कि चुनाव हमारे लिए मजाक नहीं है, इसीलिए जोश अपनी जगह पे, खुशफहमी का शिकार हमको नहीं होना है। हम जिन ताकतों से लड़ रहे हैं उनके पास सब कुछ है, धन दौलत गोला बारूद, अरे ईवीएम नहीं तो सीएम भी हैक कर लेते हैं ये लोग, ये बात आप जानते हैं।
इसीलिए मैं आपसे आग्रह करने के लिए आया हूँ कि अगर इस लड़ाई को हम ये समझते हैं कि एक व्यक्ति को सांसद बनाने की लड़ाई नहीं है, अगर हम समझते हैं कि ये इस देश में संसदीय प्रणाली को बचाने की लड़ाई है, अगर हम ये समझते हैं कि एक झंडे को बचाने की लड़ाई नहीं है, इस तिरंगे को बचाने की लड़ाई है, अगर ये हमारी समझदारी है, तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि सिर्फ मैं उम्मीदवार नहीं हूँ, आप तमाम लोग उम्मीदवार हैं और आपको भी अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। अभी से लेकर के 29 तारीख तक अपने घर अपने पड़ोस को आपको संभाल कर रखना पड़ेगा, हर अपवाह को आपको काउंटर करना पड़ेगा और एक एक मतदाता को घरों से निकालकर मतदान बूथ तक पहुंचाकर उनका वोट कराना होगा। ये जिम्मेवारी आपके कंधे पर है। यदि हम ऐसा करते हैं तो भरोसा कीजिए इस बार हम ऐलान करेंगे, जीतेंगे इस बार जंग हम, ये ऐलान हमारा है। शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद।